मौका नहीं मिलेगा। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। ललतेजपति त्रिपाठी आपका सांसद नहीं, सेवक बनकर और डाकिया बनकर के आपका काम करने वाले हैं, यह मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। और मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो आपके बगल का रहने वाला हूं। साथियों, राजनीति में आज दो तरीके के लोग हो गए हैं, एक राजनीतिक व्यापारी और दूसरा राजनीतिक सेवक। आज पूरी सत्ता राजनीतिक व्यापारियों के हाथ चली गई है। ये देश बेचने वाले लोग हैं, संविधान खत्म करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। तो 25 तारीख को आप इनको खत्म करने का संकल्प लेकर के जाइए और 6 पत्ती 2 डाली पर इतना मोहर लगाइए, इतना बटन दबाइए कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाए। ये मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। बहुत भरोसा किया है अखिलेश जी ने, आप पे बहुत भरोसा किया है। ललतेजपति त्रिपाठी का चुनाव चिन्ह क्या है बताओ आप? ललतेजपति त्रिपाठी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाँ, 6 पत्ती 2 डाली, 6 पत्ती 2 डाली, ये पहला चुनाव है चिन्ह है उत्तर प्रदेश में। ये ममता जी का चुनाव चिन्ह है। अखिलेश जी ने कहा है आप लोगों के भरोसे पे, आप लोगों पे विश्वास करके ये कहा है कि आप अपना प्रत्याशी दीजिए, हम जाएंगे हर घर में 6 पत्ती 2 डाली को पहुंचा करके झूठ बोलने वालों को भदोही से भगाएंगे। ये आप पे भरोसा किया है, इसलिए बहुत कुछ नहीं कहेंगे। आज से लेके 25 तारीख तक अब हर घर में अपना चुनाव चिन्ह पहुंचा दीजिएगा। इसलिए आप लोगों का हृदय से सम्मान करते हुए 5 विधानसभा से भारी संख्या में हमारे समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे कार्यकर्ता आए हैं, सबको कोटि कोटि बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय इंडिया गठबंधन। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित माननीय मंत्री जी। अब हम चाहेंगे आपके भदोही के और लोकप्रिय विधायक श्रद्धेय माननीय जाई जमाल बेग साहब अस्वस्थ हैं, फिर भी आपके बीच में जनता के सेवक हैं, आपके बीच में आए हैं, फिर भी मैं चाहता हूं कि आए और माननीय विधायक जी अपना विचार रखें। माननीय विधायक जी जाई जमाल बेग साहब। साथियों, मैं चाहता हूं कि ज्यादा एक मिनट, क्योंकि हमारी आवाज इतनी तेज नहीं बोल सकता हूं अभी जो जिस तरह मैं बोलता था, तो हमारे दाहिने साथियों से गुजारिश है शांति बनाए रखिए। आज भदोही लोकसभा चुनाव के अखिलेश जी माननीय अब हम कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष बड़े भाई महमूद खान साहब चाहेंगे कि यहां एक मिनट बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ललतेजपति त्रिपाठी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जय ललित। सम्मानित साथियों, आप लोगों से आग्रह है आगामी 25 मई को 2 डाली 6 पत्ती चुनाव निशान पर मोहर बटन दबाकर भाई ललतेजपति जी को इंडिया गठबंधन को विजयी बनाने का
आपका आग्रह, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, जय ममता बनर्जी जिंदाबाद, ललितेश्वर पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, भदोही लोकसभा अखिलेश यादव जिंदाबाद, ललितेश्वर त्रिपाठी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जय हिंद बोल अखिलेश यादव जिंदाबाद, ललितेश्वर त्रिपाठी अखिलेश यादव जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ललितेश्वर त्रिपाठी अखिलेश यादव, ललितेश्वर त्रिपाठी अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, अजय राय अखिलेश यादव, अजय राय अखिलेश यादव, अजय राय अखिलेश यादव, जय हिंद बोल अखिलेश यादव, ललितेश्वर त्रिपाठी अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव, अखिलेश यादव भदोही लोकसभा जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए आइए, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव ललितेश्वर त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ललितेश्वर त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ममता बनर्जी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ललितेश्वर त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव अजय राय, अखिलेश यादव ललितेश्वर त्रिपाठी, अखिलेश यादव ललितेश्वर त्रिपाठी, अखिलेश यादव ललितेश्वर त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ललितेश्वर त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी ललितेश्वर त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, ममता बनर्जी ललितेश्वर त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, ललितेश्वर त्रिपाठी अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ललितेश्वर त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ललितेश्वर त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ललितेश्वर त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ललितेश्वर त्रिपाठी, अखिलेश यादव ललितेश्वर त्रिपाठी जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव भदोही लोकसभा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा, अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। इनको मिर्जापुर लोकसभा का टिकट देकर बिन समाज का मान सम्मान रखने का काम किया है। धन्यवाद, जय हिंद। एक मिनट में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करें और अपील करें।
आज भदोही के इस ऐतिहासिक धरती पर आज इंडिया गठबंधन के इस कार्यक्रम में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस कार्यक्रम में उपस्थित भदोही लोकसभा के टीएमसी के उम्मीदवार भाई ललितेश त्रिपाठी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वाराणसी के उम्मीदवार भाई अजय राय जी इस यहां पे यहां के विधायक माननीय जाहिद बेग साहब हरिया के विधायक माननीय हाकिम बिंद जी और प्रतापपुर के विधायक बिजमा यादव जी हमारे एमएलसी साहब नाम लेने में काफी समय लगेगा मैं आज ये जन सैलाब जो उमड़ा है ये साफ जाहिर करता है कि आज ये भदोही लोकसभा नहीं बल्कि पूर्वांचल की सभी सीट हम इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है साथियों साथियों पूर्ववर्ती की 10 साल का सरकार से पूरा प्रदेश देश त्रस्त होकर के आज मन बना लिया है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे साथियों साथियों हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आज ये भदोही लोकसभा है यहां के व्यवसायी त्रस्त हैं साथियों मैं बता दूं कि मुख्य अतिथि को देते हुए मैं आज यहां पर अपील करते हुए कि ये जन सैलाब के साथ साथ अपने समाज से अपील करने आया हूं कि 25 जाकर के 6 एक एक वोट दे करके काम करेंगे साथियों मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः अपने हृदय की गहराई से आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूं जय हिंद जय भारत जय समाजवाद बहुत बहुत धन्यवाद इधर हम चाहेंगे साथियों से वो टूट जाएगा थोड़ा बगल हो जाइए दब जाइए अब हम चाहेंगे समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ वो भेंट करेंगे और हम चाहेंगे कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष श्रद्धेय माननीय अजय राय साहब और माननीय अजय राय साहब अपने विचारों को रखें कांग्रेस समाजवादी कांग्रेस के प्रदेश सम्मानित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी इस लोक आप सबके अपने घर के प्रत्याशी मेरे छोटे भाई ललितेश पति त्रिपाठी जी और यहां उपस्थित सम्मानित मंच यहां सभी हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी टीएमसी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों और इस भदोही जनपद के इस भदोही की सरजमी के सभी सम्मानित हमारे सभी सम्मानित निवासियों सभी हमारे साथी भाइयों और बहनों पत्रकार साथी छायाकार साथी निश्चित तौर से यहां पर 25 तारीख को चुनाव होने जा रहा है 25 को आप केवल भदोही का एक सांसद नहीं चुनेंगे आप पूरे देश के इस देश में जो आज तानाशाही की सरकार चल रही है इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि पूरी ताकत के साथ
25 तारीख को ललितेश को जिताइए, अखिलेश जी के हाथ को मजबूत करिए, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करिए और निश्चित तौर से एक संदेश भदोही जनपद से जाना चाहिए और वो आप सबके उत्साह, आप सबके जो आज यहां पर जो दिख रही है ताकत, उससे ये साबित करता है। मैं आप सब लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूं और नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ बनारस में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी भी हूं। आप 25 तारीख को आप ललितेश को जिताओ, हम आपसे वादा करके जा रहे हैं। 1 जून को नरेंद्र मोदी को हम वापस गुजरात भेज देंगे, ये आपसे हम वादा करते हैं। पूरी ताकत लगा दो, 25 तारीख को हम सब मिलकर इस देश को मजबूत करेंगे, इस राष्ट्र को मजबूत करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी गारंटी लेते हैं, आदरणीय ममता बनर्जी गारंटी लेती हैं, तेजस्वी यादव गारंटी लेते हैं, राहुल गांधी जी गारंटी लेते हैं कि एको पेपर लीक ना होई। आज हम और आप मिलके पिछले 2 महीने से भदोही के जन जन तक ये संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 3-4 दिन बचे हैं, मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अनुरोध है कि आप सब इस जोश और उत्साह के साथ वापस अपने गांव पे जाएंगे और एक एक वोट माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए एक एक वोट डालने का और डलवाने का काम करेंगे। मैं जानता हूं कि आप लोग अब अपने नेता को सुनना चाहते हैं, बहुत बात होगी, बहुत बात हमारी आपकी होगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करने जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भदोही, जय समाजवाद, जय तृणमूल, जय संविधान। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे जिनके लिए आप लोग सुबह 10 बजे से लाइन लगा करके खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों किसानों मजदूरों के नेता, जो कि झोपड़ी में अपनी आवाज को बुलंद करने वाले माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब से लाइन और अपना संदेश आपके बीच में रखने का काम करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, माननीय अखिलेश यादव ललितेश त्रिपाठी, माननीय साहब, भदोही लोकसभा के हमारे प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के समर्थन से लड़ रहे ललितेशपति त्रिपाठी जी और यहां से रहे सांसद और बगल की लोकसभा के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमेश बिंद जी और देश के प्रधान सांसद जी के खिलाफ लड़ने वाले बनारस से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर और समाजवादी पार्टी का समर्थन से लड़ रहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव जी, विधायक जाहिद बेग जी, विधायिका श्रीमती बिजमा यादव जी, विधायक हाकिमलाल बिंद जी, पूर्व सांसद
रामरति बिंझी, रमेश दुबे जी, मानसिंह यादव जी एमएलसी, गुलफाम सुबेदीन अंसारी जी, अशोक यादव जी जिलाध्यक्ष आप पार्टी, मुकुल यादव एमएलसी, आरिफ सिद्दीकी जी और बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी के सभी पदाधिकारी, नेता और टीएमसी पार्टी की बंगाल से आई राज्यसभा में सांसद श्री सुष्मिता देव जी और यहां पर उपस्थित इस चुनावी जनसभा में हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल में छाया है, थोड़ी बहुत गर्मी उमस है, लेकिन जोश और उत्साह में कहीं कमी नहीं दिखाई दे रही है। जहां पंडाल भरा दिखाई दे रहा है, वहीं पंडाल के बाहर जहां धूप है, गर्मी है, सीधा सूरज और चेहरे पर गर्मी ला रहा है। मैं देख रहा हूं चारों तरफ ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। ये जन समर्थन, ये जो जन समर्थन, उत्साह और जोश न केवल ललितेश त्रिपाठी जी को जिताने जा रहा है, बल्कि जब से अजय राय जी, रमेश बिंद जी और हम सब लोग इनके साथ खड़े हो गए हैं, ये रिकॉर्ड मतों से भदोही लोकसभा जीत करके जा रहे हैं। इधर हम लोग पहले चरण से चुनाव देखते हुए आ रहे हैं और जैसे जैसे ये हर चरण से चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा यकीन है जिस समय ये चुनाव सातवें चरण में पहुंचेगा, जनता का गुस्सा भी सातवें आसमान पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लूट और झूठ पर भरोसा करते हैं, बीजेपी के लोगों के 10 साल अगर दिल्ली के सरकार के देखें तो इन्होंने लूट और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम किया है। इनकी हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला है। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि जब चुनाव में इस शरण में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा। 5 चरणों के बाद 6 और 7वां चरण है। 6वें और 7वें चरण को मिलाकर के 27 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। अभी तक तो मैं ये कहता था कि 80 लोकसभाओं में हमारा इंडिया गठबंधन एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है और चुनाव इधर आ गया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है 80 सीट जीतना। क्यूटो
आपके बगल की लोकसभा की सीट ये काशी नहीं है, ये क्यूटो है। और क्यूटो के लिए सुपर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस बार प्रधान सांसद जी क्यूटो वाली सीट भी हारने जा रहे हैं। अब वो चाहे दिन में आए रात में रुकें, लेकिन क्यूटो की जनता का गुस्सा का सामना नहीं कर पाएंगे। और ये 80 सीट क्यूटो वाली सीट इसलिए भी आ रहे हैं कि पत्रकार साथी हो सकता है हमसे पूछें कि कैसे हार जाएंगे। अगर मैं बता दूं तो केवल रणनीति बना लेंगे ये लोग, लेकिन मैं केवल हिंट देना चाहता हूं कि अब उनके ही अपने लोग पराए हो गए, इसलिए क्यूटो भी हारने जा रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव जहां बदलाव का चुनाव है, वहीं हमारे साथी जानते होंगे कि जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं, और इधर इंडिया गठबंधन और टीएमसी और हम सब वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करके संविधान को बचाना चाहते हैं। जहां संविधान बचाने की लड़ाई है, वहीं मैं अपने किसान भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन 10 साल में किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, न आय दोगुनी हुई, न कोई किसानों को लाभ पहुंचाया। और अगर हिसाब किताब लगाएंगे तो आज किसान की लागत बढ़ गई, हर चीज महंगी कर दी, चाहे वो कीटनाशक दवाइयां हो, यूरिया हो, डीएपी हो, डीजल पेट्रोल हो, ये तो महंगा किया ही है किया। लेकिन बताओ 10 साल में खाद की बोरी से चोरी हुई है कि नहीं हुई है? पहले 5 किलो बोरी की चोरी की, फिर खाद की बोरी से 5 किलो चोरी हो गई। बताओ कितने किलो चोरी हुई है खाद की बोरी से? जब मैं चोरी के बारे में सोचता हूं तो मुझे याद आता है पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट। हमारे साथियों ने देखा होगा बाजार में, बताओ पहले कितना बड़ा आता था बिस्किट पैकेट। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाया, बताओ पैकेट कितने बिस्किट का हो गया? 5 का हो गया कि नहीं हो गया? ये बीजेपी वाले आ गए तो इतनी महंगाई बढ़ाएंगे कि आपको पार्ले जी का बिस्किट पैकेट भी 1 बिस्किट का मिलेगा। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो सावधान। डीजल पेट्रोल जहां महंगा हुआ है, वहीं बताओ 10 साल में आपकी मोटरसाइकिल कितनी महंगी हो गई। पहले कितने रुपए की आती थी और आज कितने रुपए की आ रही है? 1 लाख की हो गई क्या? 1 लाख की। न केवल महंगाई बढ़ाई है इन्होंने, हमारे नौजवान जो मेहनत कर करके पढ़ लिख करके परीक्षा देने जाते थे, जब भी परीक्षा देने गए तो जब परीक्षा देकर के घर लौटे हमारे नौजवान, हमारे छात्र नौजवानों को पता होगा कि इन सरकार के सब पेपर लीक हो गए, परीक्षाएं रद्द हो गई, और कोई एक परीक्षा रद्द नहीं हुई है, 10 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द हुई हैं। और केवल अगर हम
परीक्षा रद्द होने की वजह से जितने नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाला इन्होंने, वो लगभग 60 लाख बच्चे हैं, 60 लाख नौजवान हैं, और ये 60 लाख नौजवान सब इस सरकार के खिलाफ हैं। 60 लाख बच्चों के मां बाप भी इनके खिलाफ हैं, तो सोचिए अगर 60 लाख खिलाफ हैं और उनके मां बाप को भी जोड़ दें, एक परिवार से तीन लोग सरकार के खिलाफ हैं, तो अगर 60 का गुणा हम कर देंगे तीन में, तो बताओ 1,80,00,000 लोग इनके खिलाफ हैं कि नहीं हैं। और यही 1,80,00,000 अगर 80 लोकसभाओं का भाग दे दोगे तो हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया बीजेपी का, बताओ कैसे मुकाबला करेंगे। केवल वोट कम नहीं हुआ है, जिन जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनकी जान भी खतरे में है। और जब से ये खुलासा हुआ है कि वैक्सीन जिन जिन के लगी है उनकी जान, उनको बीमारी और दिल की बीमारी भी ज्यादा होगी, तब से दिल्ली वालों ने जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट था उससे अपनी फोटो गायब कर दी है। और जब वैक्सीन लगवाने वाले अपना सर्टिफिकेट देख करके जाएंगे तो बताओ जिन्होंने जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई वो गायब हो जाएंगे कि नहीं गायब होंगे। हम तो बच गए, हमने नहीं वैक्सीन लगवाई, कोई और भी है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई, कुछ तो हमारी वजह से हाथ उठा रहे हैं, वैक्सीन लग चुकी है आपको। और ये हमारे जितने कर्मचारी और पुलिस के भाई लोग खड़े हैं इनको तो सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई है, ये लगाना नहीं चाहते थे फिर भी इनके लगवा दी। बताओ वैक्सीन कंपनी वालों से बीजेपी ने चंदा वसूल लिया कि नहीं वसूला? इन्होंने चंदा केवल वैक्सीन वाली कंपनी से नहीं, देश के बड़े बड़े लोगों से चंदा वसूला है। जो लोग दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते थे, बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड से उन्होंने चंदा वसूला कि नहीं वसूला? और जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जनता को हो गई है, जनता भी पूरी तैयारी से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बजाने के लिए, हजारों करोड़ रुपए लिए इन्होंने चंदा में, और चंदे की वजह से ही महंगाई है। जहां इन्होंने भ्रष्टाचार किया वहीं चंदे की वजह से महंगाई भी बढ़ी है। इसलिए हम साथियों आपसे निवेदन करने आए हैं, ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, ये केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव तो है ही लेकिन आने वाले पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये बीजेपी के लोग जो नारा देते थे 400 पार, याद है आपको बीजेपी के लोग क्या नारा देते थे? 400 पार। बताओ 400 पार वाले इस बार 400 पार वाले बताओ 400 हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? और हम लोगों को तो गिनती बाद में समझ में आई, ये 400 पार का नारा क्यों दे रहे थे? ये इसलिए दे रहे थे, हमें और आपको बाद में समझ में आया कि लोकसभा की कुल मिलाकर के सीटें कितनी हैं, 543। जो कुल सीटें लोकसभा में हैं वो हैं 543, और बीजेपी अगर ये नारा दे रही है 400 पार जीतेंगे तो बताओ कितनी सीटें जीतेंगे? 143। लेकिन देश की 140 करोड़ जनता
इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं, हमें भदोही की जनता पर बहुत भरोसा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भदोही की जनता और भदाई के लोग जितना समाजवादी पार्टी पे भरोसा करते रहे हैं, उससे ज्यादा हमारी जनता ने भी भरोसा रखा है समाजवादियों पर। ये जब गठबंधन बन रहा था, आपको याद होगा, जब गठबंधन बन रहा था तो आप में से बहुत सारे लोग चाहते थे कि गठबंधन बने, क्योंकि सबको ये लगता था कि बीजेपी का और एनडीए का मुकाबला तभी होगा जब देश के स्तर पर एक बड़ा गठबंधन बन जाए। कई साथी हमें सामने बोलते थे, कई साथी बोलते नहीं थे लेकिन कहते थे कि कोई ना कोई गठबंधन बन जाए। और जब गठबंधन बनाने की शुरुआत हुई तो समाजवादियों ने सबसे बड़ी भूमिका निभा करके हम लोगों ने समझौता करने का काम किया, और हम लोगों ने यहां पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के भी हैं, हम लोगों ने बड़ा दिल कर करके उन्हें भी साथ ला करके और बड़ी से बड़ी जिम्मेदार सीटें कांग्रेस पार्टी के साथ भी जोड़ दी। जहां कांग्रेस पार्टी को साथ में लिया, वहीं हम लोगों ने बंगाल की मुख्यमंत्री, उनका दल टीएमसी, उसको भी हम लोगों ने आपके भरोसे पर और अपनी पार्टी के तमाम नेताओं के भरोसे पर एक सीट पर गठबंधन उस दल से भी हम लोगों ने करने का काम किया। जहां कांग्रेस पार्टी को साथ लिया, वहीं हमारे जो समाजवादियों के संबंध रहे हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से, इसलिए उन्हें भी हम लोग साथ लाने का काम किए हैं। जिस तरह आप ताना बाना बुनते हो, जिस तरीके से आप दरी में कारपेट में तारा बाना बुनते हो, उसी तरीके से समाजवादियों ने कांग्रेस से भी और टीएमसी से भी अपना एक रिश्ता बना करके गठबंधन बनाने का काम किया है। क्योंकि हम सब लोग मिलकर के बीजेपी के लोगों का मुकाबला करना चाहते हैं, इसलिए आपके बीच में टीएमसी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ललितेशपति त्रिपाठी जी हैं, और उनका चुनाव चिन्ह तो भूलते तो नहीं हो, चुनाव चिन्ह इनका चुनाव चिन्ह क्या है ये बताइए आप लोग, आपको याद है कि नहीं याद है? यही है ना चुनाव चिन्ह, भूल तो नहीं जाओगे? जाना साइकिल से, लेकिन बटन कौन सी दबाओगे आप? किस नंबर पे है बटन इनकी? 7 नंबर पर। ये 7 नंबर वाला बटन मत भूलना, ये जो 7 नंबर होता है बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। 7 फेरे के बाद पक्का रिश्ता हो जाता है, इसलिए ये चुनाव चिन्ह तो नहीं भूलोगे आप? आप लोग जहां समझ गए हो वहीं गांव-गांव भी समझाना पड़ेगा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भदोही के विकास के लिए जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, पूरा का पूरा बजट देकर के यहां के कारपोर्ट के कारोबारियों की मदद करने का काम करेंगे। आपको याद होगा जब समाजवादी सरकार थी तो बाबतपुर से जोड़ने के लिए भदोही
और भदोही से जोड़ने के लिए मिर्जापुर, और भदोही से मिर्जापुर वाली सड़क कभी ठीक नहीं रहती थी, हम समाजवादियों ने उस सड़क को भी बना दिया। सीतामढ़ी वाली भी सड़क बनाई है, फ्लाईओवर भी बनाए हैं, हमारे एक्सपोर्टर कारोबारों को बाहर न जाना पड़े, यहीं पर एक्सपोर्ट कारोबारी अपने बायर्स को बुला लें, उसके लिए एक्सपोर्ट बाजार भी बनवाया, एम्बुलेंस भी दी आपको, और बीजेपी वालों ने एम्बुलेंस खराब कर दी, 100 नंबर पुलिस को दिया, और हमारे जो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, जो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री, उन्होंने नंबर बदल दिया, 100 से 112 कर दिया, और जब से 100 से 112 किया है तब से पुलिस विभाग को भी लग रहा है कि उन्हें भी अपना रेट बढ़ा देना चाहिए। बताओ रेट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इसलिए इस चुनाव में हम भदोही के लोगों को कहके जा रहे हैं कि इस बार हमारी मदद करना, और मदद कर करके ललितेशपति त्रिपाठी जी को जिताना, और इस बार हमने रमेश बिंद जी को भी ले लिया, इन्हें तो पहचानते होंगे, ये अलग बात है, ये दूसरे दल में थे, जब उससे पहले दूसरे दल में थे तब मैंने इनसे कहा था हमारे साथ आ जाओ, तब परिस्थितियां नहीं बनी, लेकिन अब इन्हें बुला करके हमने इन्हें भी बगल की लोकसभा से लड़ा दिया है। बताओ रमेश बिंद जी के सारे, इनकी भी मदद करोगे ललितेश जी की? और हमारी पार्टी के इलाहाबाद के और आपके भदोही के लोग सब मदद कर रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। और अभी जब मैं फूलपुर गया था, जो फूलपुर की रैली हुई थी, वो ऐसी रैली हुई, ऐसा जन सैलाब आया, ऐसा लोगों का समुद्र आया कि वहां पर कुछ नहीं बचा, केवल हम ही लोग बचे वहां पर। और जो लोग कहते हैं कि वहां पर लोग नहीं थे, आप पता कर लेना, दिल्ली वालों का कार्यक्रम और लखनऊ वालों का कार्यक्रम आजकल जिन पंडालों में हो रहा है वो पंडाल छोटे बनाए जा रहे हैं, और जो खाली सीटें रहती हैं उसमें विभाग के कर्मचारियों को बैठा करके सादा वर्दी पहना करके अपनी सभा कर रहे हैं। बताओ जनता ने साथ छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? एनडीए वाले नकारात्मक राजनीति करते हैं और पीडीए और इंडिया वाले सकारात्मक राजनीति करते हैं। हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं देश को, एनडीए वाले पीछे ले जाना चाहते हैं देश को। इन्होंने बताओ फौज की नौकरी भी आधी अधूरी कर दी, यही नौजवान जो सड़कों पे दौड़ करके मैदानों में दौड़ करके तैयारी करते थे फौज की भर्ती के लिए, ये नौजवान सोचते थे कि हम तैयारी कर लेंगे, भाग दौड़ करके मेहनत करके हमें मौका मिल जाएगा फौज की नौकरी में। इन्होंने जहां फौज की नौकरी की संख्या कम कर दी, वहीं अग्निवीर जैसी व्यवस्था लेकर के आए हैं। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, दिल्ली में जहां 30 लाख नौकरियां खाली हैं वो भरी जाएंगी, साथ ही साथ 30 लाख वो नौकरियां, और साथ ही साथ जैसे पहले फौज में भर्ती होती थी इस बार ज्यादा फौज में भर्ती होगी और पक्की नौकरी मिलेगी आपको, और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वहीं किसानों का कर्ज माफ होगा, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर चुके हैं, बड़े बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ कर दिया, सुनने में आ रहा है 25 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है, लेकिन हमारे किसानों का और गरीबों का लाखों रुपए का कर्ज माफ नहीं किया है। इसलिए हम अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों कह के जा रहे हैं जिनका लाखों में कर्जा है,
आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो इनका भी कर्ज माफ होगा, जिस तरीके से उद्योगपतियों का माफ हुआ। ये जब राशन देना था तो हमारे गरीबों को राशन चुनाव से पहले न जाने क्या क्या दे रहे थे, अब तो राशन में भी कटौती कर दी, और जो राशन दिया जा रहा है वो बताओ कितना खराब गरीबों को राशन दिया जा रहा है। राशन में कोई गुणवत्ता नहीं है, इसीलिए हाल में आपने सुना होगा कि इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, और जिस तरीके से संपन्न लोग पैकेट का आटा खरीद करके जो पौष्टिक होता है वो खाते हैं, हम अपने गरीबों को भी कह के जा रहे हैं जहां राशन की मात्रा बढ़ाएंगे वहीं पैकेट के आटे के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम होगा। पैकेट का आटा पौष्टिक इसलिए जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, राशन की मात्रा इसलिए बढ़ाएंगे जिससे कि आपका भरपेट भोजन हो सके परिवार का, और डाटा फ्री इसलिए क्योंकि बिना डाटा के आजकल कोई चीज चलती नहीं है। डाटा होगा तो हम अपनी नौकरी भी ढूंढ लेंगे, रोजगार भी ढूंढ लेंगे, डाटा होगा तो फॉर्म भी भर देंगे, डाटा होगा तो ऑनलाइन पढ़ाई भी कर लेंगे, इसलिए पैकेट का आटा के साथ साथ डाटा फ्री देने का काम होगा। इन बीजेपी वालों ने समाजवादियों की लैपटॉप की भी नकल की थी, याद है लैपटॉप दिया था इतना बड़ा, जिनको मिला हुआ उस समय वो आज भी चल रहा होगा जिनको उस समय मिला था, लेकिन बीजेपी वालों ने कितना दिया लैपटॉप, इतना हमने दिया, इतना दे दिया इन्होंने, और जब चलाते होगे तो उंगली घिस जाती होगी, कितना रद्दी दिया इन्होंने, बताओ रद्दी दिया कि नहीं दिया। इसलिए मदद करिए आप लोग सब मिलकर के, मदद करिए, मदद करोगे आप लोग, और ये मदद जो आप करने जा रहे हो वो लोकतंत्र को बचाने की मदद है, संविधान को बचाने के लिए मदद है, हमारे आपके अधिकार जो छीनना चाहते हो उसको बचाने का चुनाव है, जहां ये लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है वहीं ये हमारे भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए मदद करिए आप सब लोग, जहां आप मदद कर रहे हो वहीं हमें एक कलाकार और मिल गया है, जहां आप लोग मदद कर रहे हो वहीं हमें एक कलाकार और मिला है, कलाकार, और उस कलाकार ने जो दिल्ली वाले प्रधान सांसद हैं उनके लिए एक गाना बनवा के लेके आया है, जो प्रधान सांसद हैं बगल की लोकसभा के, जो बगल की लोकसभा के प्रधान सांसद हैं उनके लिए ये गाना बना के लाए हैं, और मैंने प्रधान सांसद की जो आपके बगल के प्रधान सांसद हैं उनके लिए मैंने सुपर ब्रेकिंग न्यूज पहले ही दे दी है कि इस बार तो क्यूटो वाले प्रधान सांसद भी अजय राय जी से हारने जा रहे हैं, उन्हीं के लिए ये गाना लेकर के आए हैं, इसलिए सुनोगे आप लोग, इसलिए वो गाना भी सुनाइए, और एक बार फिर मैं आपसे ललितेशपति त्रिपाठी जी के लिए उनके चुनाव चिन्ह ये भूलना मत, आप लोग अपने बूथ पे वोट डलवाओगे आप लोग, अगर कोई रोकेगा बूथ पे जाने के लिए तो रुक तो नहीं जाओगे,
ये बीजेपी वाले बूथ लूटना का काम करें तो कमजोर तो नहीं हो जाओगे? बूथ पे पहुंचोगे? एक बात और मैं कहना चाहता हूं, इन बीजेपी वालों को इसलिए भी हरवा देना कि इतनी गर्मी में इन्होंने चुनाव करवाया है। बताओ, आपको हमें सबको परेशान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या गंगा मां साफ हो गई? नौकरी रोजगार दिए इन्होंने? तो इसलिए सावधान रहना इनसे। ये सावधान इसलिए करने आए कि संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए मदद करिए और प्रधान सांसद जी का गाना सुनवाइए।